जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप मेरे पास गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा करोला है, इसमें आप देखेंगे चार्जिंग सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है और इसमें आप देखेंगे मैंने इसको मल्टीमीटर से इसकी चार्जिंग चेक कर रहा हूँ तो 7.4 इसके वोल्ट आ रहे हैं जो कि बिल्कुल कम है। इसके इतने वोल्टेज नहीं होने चाहिए, इसके कम अज़ कम 13 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज होने चाहिए। तो अब इसकी आप देख रहे हैं ये दो वायरें इसकी, मैं आपको डायग्राम है इसके अल्टरनेटर की, तीन वायरें इसमें आती हैं, इन तीन, एक बड़ी वायर जो मैं बैटरी से डायरेक्ट आ रही होती है 120 एम्पीयर के फ्यूज से, ये आप देख रहे हैं ये हमारी आ रही है जी यहाँ पर जनरेटर के अंदर, ये 120 वाली है। दूसरी जो एक नंबर वायर है उसकी जो दो वायर वाला कनेक्टर लगा हुआ है, एक वायर जा रही है जिसके ECM में, इसके ECM यानी कि इसके इंजन के कंप्यूटर में, और दूसरी वायर आप देख रहे हैं ये वायर जो आप देख रहे हैं ये किधर जा रही है, ये जा रही है हमारे जी कम्बिनेशन मीटर असम्बली, ये कम्बिनेशन मीटर असम्बली में हमारी वायर जा रही है। तो तीन वायरें हैं इसमें बेसिकली, एक जो बड़ी वायर है उसमें 120 एम्पीयर का फ्यूज़ आता है और दूसरी जो दो वायरें हैं एक ECM पे जा रही है और एक मीटर के ऊपर जा रही है। ठीक हो गया, तो अभी मेरे पास अल्टरनेटर दूसरा पड़ा हुआ है वो लगा के जी चेक कराता हूँ आपको। बस आ चुका है कनेक्टर समेत ये मेरे पास आया है ये वाला, ये दो वायरें आप देख रहे हैं, एक जनाब ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, एक जा रही है ECM के ऊपर, एक जा रही है मीटर के ऊपर, कम्बिनेशन मीटर के ऊपर। तो अभी हम इसको रिप्लेस करते हैं और आपको चेक कराते हैं। अल्टरनेटर जो है इसका जनरेटर ओपन करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले बैटरी की वायर उतारें और यहाँ पर ये इसका लगा नहीं हुआ जी, यहाँ पर जो है ना वो इसको टाइट करने है, इस वाले ये वाली इसको टाइट करता है। तो यहाँ पर इसको मैं खोल देता हूँ, बिल्कुल ईजी है, दो बोर्ड लगे हुए, एक 12 का लगा हुआ, एक 14 का नीचे लगा हुआ है जी। तो ये आप देख रहे हैं ये मैंने खोला हुआ है, ये इसका एडजस्टर है, एडजस्टर आपने खोलेंगे तो आप नीचे एक अल्टरनेटर का लगा हुआ है तो भी मैंने लगा दिया। अभी आप देख रहे हैं 13.8, अब 13.5 से जैसे ही इसकी वोल्टेज ऊपर आते हैं तो ये गाड़ी आपकी नॉर्मल हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाड़ी में पावर स्टीयरिंग पहले लाइट आ रही थी और चार्जिंग माल फंक्शन का एरर आ रहा था वो अभी चला गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।